पूरे विंध्य और रीवा संभाग में कोरोना के कहर और कोरोना के रफ्तार बेहद तेज है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी खबर लेके आए हैं कि सीधी माँ कोरोना के रफ्तार बेहद तेज समझ में आ रही है। ऐसा कौनो दिन नहीं आए जो उन्हें दिन कोरोना के संक्रमित संख्या ना आवे। कल 8 नए संक्रमित आए रहे और आज फिर से 5 नए संक्रमित केस आए हैं। रीवा से आई 22 रिपोर्टन में 22 थे। बायोलॉजी रीवा से रिपोर्ट आई है जौने में 5 नए संक्रमित सीधी में आए हैं। जौने में आपका पत्रकार बताया कि अब सीधी में कुल संक्रमित संख्या हो गया है 331, एक्टिव केसन के संख्या हो गई है 91 और 2 लोगों के मौत हो चुकी है। उस सीधी में कुल 72 प्लस कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। जो यह बेहद बड़ी खबर ऐसे हो चुकी है कि वह हर तबका जो या वैश्विक महामारी के दौर में लापरवाही करी सी वह कहो न कहो यह वैश्विक महामारी के जद में आ रहा है। अपना पत्रकार को बताया कि आज जो 5 नए संक्रमित आए हैं 5 पुरुष हैं। जो मैं अपना पत्रकार बताया कि पहल जो संक्रमित है वो 64 वर्ष के सिरौला के मड़वास के निवासी आई। दूसर है 35 वर्षीय बनिया कॉलोनी के निवासी आई। 34 वर्षीय पुलिस लाइन पुलिसकर्मी आई और 2 रिपोर्ट जो है रीवा से हैं जिनका क्रमशः उम्र जो है 47 वर्ष और 36 वर्ष है। ई रीवा में जांच कराई और पता जो है सीधी के लिखा रहा जोड़े के चलते सीधी माँ यह संख्या जुड़ चुकी है। जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है ई जो रीवा में जाँच कराई गई ही इनकर जो है अब जांच पड़ताल जारी के दिन गई ही इनकर एड्रेस के वेरिफिकेशन की इंजा अलग है। किंतु खबर बेहद अहम ऐसे हो जाती कि लोग लापरवाह हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा साफ तौर पर जब बात की गए तो उनके द्वारा यह अपील की गए कि देखिए जे लापरवाही करी सी वह आइसोलेशन वार्ड या कोरोना के चपेट में आवा है और उनका कहो न कहो यह लापरवाही के अंजाम भुगते का पड़ा है पूरी सीधी का। कहे कि एक व्यक्ति से यह जो बीमारी है संक्रमण की बीमारी है सब भलीभांत तौर से जाना थे कि संक्रमण के चलते एक एकर जो कड़ी है कड़ी के चलते एक व्यक्ति फिर दूसरा व्यक्ति फिर तीसरा व्यक्ति यह में बेहद लंबी चैन बन जाती जो उनके चलते एक बेहद बड़ा संक्रमण के कहो न कहो तादाद हो जाती। जो सिरौली मड़वास से 64 वर्षीय जो व्यक्ति सामने आए हैं वो जो है सब्जी वाली एक अपना का ध्यान हुई कि बीते दिन जो है मड़वास सिरौला में सब्जी वाली के कांटेक्ट के जो हिस्ट्री रही उससे कहो न कहो कांटेक्ट थे और वो के बाद जो है आगे जो है या पूरी लिस्ट में नाम आ रहा है। तो कहो न कहो ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपना कितना गंभीर हैं ये वैश्विक महामारी के प्रति। काहे कि लोगन के आज कल के नज़रिया बदल चुका है। लोग मास्क नहीं लगाए रहे हैं ही मीडिया पुलिस प्रशासन का देख के मास्क लगावत है तो कहो न कहो अब चिंताजनक हालात बन सकते हैं। कहे कि यदि बेहद बड़ी संख्या में यह संक्रमण फैला तब फिर अपना यह जान के चली कि एक बेहद बड़ी मुश्किलात के सामना सीधी का करके पड़ सकते हैं। कहे कि सीधी में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात केहू से छुपे नहीं आए। यहाँ जर बुखार तक केवल दवाई सीमित थी किंतु यदि गंभीर हालात हो जाती तो सिर्फ सहारा रीवा संजय गांधी अस्पताल के है। ऐसे अपने आप का घर में सुरक्षित रखी और घर से बाहर निकली तो मास्क सैनिटाइजर साबुन और सामाजिक दूरी ये 3 जो मंत्र है एकर बेहद जरूरी है कि अपना पंचे पालन करी। नहीं था वह दिन दूर नहीं जब सीधी माँ हालात यह हो जाए कि एक बेहद बड़े संक्रमण के चपेट में सीधी आ सकती थी। किंतु एक बेहद बेहतर खबर यह हुई कि आज सीधी में 2 संक्रमितन का जो है उनका रिपोर्ट निगेटिव आए के बाद जो है उनका 7 दिन के क्वारंटीन के सलाह दे के उनका घर भेज दिया गया है। जौने माँ एक पुलिसकर्मी है और एक अन्य व्यक्ति है और अपना पत्रकार बताया दी कि आज दिनांक तक जो है 238 संक्रमितन का जो है स्वस्थ कही के सीधी आइसोलेशन वार्ड से उनका घर भेजा जा चुका है। किंतु संख्या यदि देखी जाए तब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है स्थिर हो के अभी स्थिति में नहीं आए। किंतु यदि हम अपना ठान ली तो कौनो चीज़ जो है कौनो बात बड़ी नहीं आए चाहे कोरोना हो चाहे अन्य हो। यदि 5 महीना हम अपना लड़ें तो आगामी दिन में एक बेहतर लड़ाई लड़के या कोरोना का सीधी से मुक्त जरूर कह ले।
ऐसे आपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, प्रणाम।